Let's do of exercise, that is one is, हमें ये सॉल्व करना है चेक करना है तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कर लेते हैं कॉपी एक्स इक्वल्स टू फोर अपॉन फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन तो ये कैसे करेंगे देखिए या तो ये कर सकते हैं आप ये फाइव इधर और फोर नीचे ले आए और एक्स प्लस टेन एज इट इज़ छोड़ें और फिर एक्स इधर लिया या आप कर सकते हैं इन दोनों फोर अपॉइन फाइव की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में कैसे भी करिएगा आंसर सेम ही आएगा तो देखिए एक्स इक्वल्स टू मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो फोर अपॉइन फाइव इन टू एक्स प्लस 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 फोर अपॉन फाइव इंटू टेन तो देखिए एक्स इक्वल्स टू फोर अपॉइन फाइव एक्स आ गया प्लस अगर आप देखेंगे फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन और फोर टू कितना होता है एट तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस का एट अब एक्स की वैल्यूज एक साइड तो क्योंकि फोर अपॉन फाइव एक्स लेफ्ट साइड आ गया तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू एट एज इट इज आप देखिए एल सी एम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है वन लिख दिया तो एल सी एम ले लिया फाइव ही आएगा अब यहाँ वन है और यहाँ फाइव है इसका मतलब एक्स की मल्टीप्लीकेशन फाइव में माइनस फोर एक्स की मल्टीप्लीकेशन वन में इक्वल्स टू तो एट देखिए वन फाइव ज फाइव इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए फाइव वन ज फाइव राइट अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो ये आ गया फाइव एक्स फोर एक्स वन ज फोर एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू एट तो, तो ये कितना आ जाएगा देखिए ये आ गया हमारा फाइव एक्स में से फोर एक्स गए एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू एट अब क्योंकि फाइव ये इधर चला जाएगा डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एट फाइव सा फोर्टी आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी अब हम चेक कर लेंगे कि आर आंसर करेक्ट और नॉट जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है कि नहीं है तो चेक कर लेते हैं चेक देखिए लेफ्ट साइड पे x ही दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी आई थी 40 अब राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड कितनी थी 4 अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस टेन था तो x की जगह हमें क्या लिखना है 40 तो 4 अपॉन फाइव एज इट इज 40 प्लस टेन तो ये कितना आ गया 4 अपॉन फाइव एज इट इज 40 प्लस टेन एज 50 तो ये कितना आ जाएगा फाइव वन ज फाइव फाइव टेन ज फिफ्टी तो ये आ गया फोर इंटू टेन दैट इज फोर्टी आ गया तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड भी फोर्टी है और राइट right साइड भी फोर्टी है तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू फोर्टी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एर्ट्थ नाउ अपना क्वेश्चन नंबर एट्थ कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ दे रखा है टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इक्वल्स टू सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री तो ये कितना आएगा आप देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं x की वैल्यूज़ एक साइड तो टू एक्स अपॉन थ्री और क्योंकि सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा इसी तरीके से थ्री अपनी जगह और वन इधर आ गया तो माइनस का हो गया राइट अब थ्री और फिफ्टीन का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो देखिए थ्री और फिफ्टीन का एलसीएम लिया तो थ्री वन ज थ्री थ्री फाइव ज फिफ्टीन एंड देन फाइव वन ज फाइव तो थ्री फाइव जै फिफ्टीन तो एलसीएम कितना आ गया फिफ्टीन आप देखिए टू एक्स की मल्टीप्लाई थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन तो यहाँ आ गया फाइव 7x as it is, 15, ones 15, to, अब थ्री में से वन गए तो डायरेक्ट लिख दिया अब ये वाले ओपन कर देंगे अब देखिए ये फिफ्टीन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स में से सेवन एक्स गए थ्री एक्स इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन तो थ्री एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया फिफ्टीन टू जज थर्टी और x कितना आ जाएगा थर्टी में डिवाइड बाय थ्री हुआ तो थ्री वन ज थ्री थ्री टेन ज थर्टी तो x कितना आ गया हमारा टेन आ गया अब हम चेक कर लेंगे कि वेदर आर आंसर इज करेक्ट और नॉट तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी वो क्या थी 2x एक्स अपॉन थ्री प्लस वन थी तो x की वैल्यू हमारी 10 थी अपॉन थ्री प्लस वन तो ये कितने आ गया 20 आ गया टू टेन जो ट्वेंटी अपॉन थ्री प्लस वन अब एल ले लेंगे 3 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 20 एज इट इज प्लस वन इन टू थ्री देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई उसको वो मैंने नहीं दिखाया है ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि ये कैसे होता है फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है ये हम क्लास सेवन्थ में ऑलरेडी सीख चुके हैं तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी एज इट इज एंड थ्री वनजर थ्री अपॉन थ्री तो ये आ गया ट्वेंटी थ्री अपॉन थ्री अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड निकाल लेंगे जो कितनी थी सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये आ गया हमारा सेवन इंटू टेन अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री तो सेवन टेन ज सेवेंटी अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री आ गया राइट right? अब आप देखिए फाइव थ्री ज फिफ्टीन फाइव वन ज फाइव ट्वेंटी फाइव फोर ज ट्वेंटी राइट तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम फोर्टीन अपो ऑन थ्री प्लस थ्री अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है वन लिख दिया और एल सी एम ले लिया थ्री तो फोर्टीन एज इट इज़ वन देखिए लिखना चाहें लिख दें वरना जरूरत नहीं है थ्री वन ज थ्री अब इसी तरीके से प्लस थ्री एज इट इज़ ये वाला थ्री लिखा है यहाँ पे अब वन थ्री इज ठ्री होता है तो थ्री लिख देंगे तो ये कितना आ गया फोर्टीन वन इज फोरटीन प्लस थ्री थ्री इज नाइन अपॉन थ्री तो ये आ गया हमारा फोर्टीन प्लस नाइन इज ट्वेंटी थ्री अपॉन थ्री तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड भी यही थी और राइट साइड भी यही थी तो हैंज आर आंसर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर